बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी केक। ये मैंने 1 कप मैदा ले ली है और ये ले लिए हैं 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर। मैंने 1 कप दूध ले लिया है। यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून डालूंगी बेकिंग सोडा। ये बिना अंडे का बना रहे हैं हम, तो इसलिए इसमें 2 चम्मच मिल्क मेड डाल देंगे। अभी 3 टेबलस्पून हम ऑयल ले लेंगे। ये दूध से हम इसका एक बैटर बनाएंगे। ये हमने बैटर बना लिया है और ये हमने टूटी फ्रूटी ले ली है, मैदा में कोट कर लिया है, ठीक है। तो ये भी इसमें मिला देंगे और साथ में हम 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे एसेंस के। आपके पास पाइनएप्पल हो या वनीला, कोई भी आप डाल सकते हैं। ये मिला देंगे। ग्रीस किए हुए बर्तन में हम ये डाल देंगे। थोड़ी सी फ्रूटी ऊपर से भी डाल देंगे और ये इसको टैप करेंगे। ये मैंने कढ़ाई गरम कर ली है पहले से प्री हीट, उसमें रख देंगे और आधा घंटा लो फ्लेम पे ढककर बनाएंगे। आधा घंटा लो फ्लेम पे हमने इसको पका लिया है और ये केक हमारा बन के रेडी है। बस इसको अभी हम ठंडा करेंगे, उसके बाद इसके पीसेस काटेंगे। केक ठंडा हो गया है, बस इसके पीसेस करेंगे। हमने केक के पीस काट लिए हैं और बहुत ही स्पॉन्जी केक हमारा तैयार है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें।